राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान संस्था आणि राज्य सरकार यांच्यात आज ऑटोमेशन आणि रोबोटिक्स या क्षेत्रातला सामंजस्य करार झाला. नवी दिल्लीत आज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. राज्यातला उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग तसंच विद्यार्थ्यांसाठी हा करार लाभदायक ठरेल. महाराष्ट्रात तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुरू करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांबद्दल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी कौतुक केलं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है जिसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन, जिसमें दिनों दिन जीवन में काम में आने वाली एजुकेशन मिलने की एक व्यवस्था बनी है और टेक्निकल आज की जरूरतों के हिसाब से नौजवानों को जो टेक्निकल एजुकेशन देनी है, इन दोनों का एक अच्छा समागम हुआ और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के बड़े प्रयास की शुरुआत महाराष्ट्र से हो रही है. रेल्वे आणि आयटी क्षेत्रात अपेक्षेपेक्षा जास्त विकास झाला असून नवीन शिक्षण धोरणानंतर शिक्षण क्षेत्रातही मोठा बदल दिसून येत असल्याचं पाटील म्हणाले. गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसमें भी बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे, इसलिए मैं बहुत माननीय अश्वनी जी को धन्यवाद देता हूँ दो कारणों के लिए कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और यह लगातार उनके बारे में हम जो अनुभव कर रहे हैं कि जो ना होने वाला है वो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे, तो होने वाला है उसमें बात करेंगे और लाएंगे.